आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों के तबादलों पर 21 अगस्त से रोक, 4 अक्टूबर तक रहेगी ये रोक। कलेक्टर और चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों के तबादलों पर रोक रहेगी। विशेष मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के चलते रोक लगाई गई है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने ये आदेश जारी किए हैं। आपको बताएं कि निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों के तबादलों पर 21 अगस्त तक रोक, 21 अगस्त से रोक लगाई गई है और आपको बताएं कि 4 अक्टूबर तक रहेगी ये रोक। कलेक्टर और चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों के तबादलों पर ये रोक रहेगी। विशेष मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के चलते ये रोक लगाई गई है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने आदेश जारी किए हैं। ये रोक का आदेश जो आया है वो भी आपको ये कॉपी दिखा रहे हैं। तो देखिए आदेश की कॉपी आपको दिखा रहे हैं, जो आदेश जारी किया गया है निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों के तबादलों पर 21 अगस्त से रोक रहेगी, 4 अक्टूबर तक ये रोक रहने वाली है। कलेक्टर और चुनाव कार्य में लगे अधिकारियों के तबादलों पर रोक रहेगी। दरअसल विशेष मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के चलते ये रोक लगाई गई है। विस्तार से जानकारी लेते हैं डॉक्टर ऋतुराज, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ऋतुराज बताइए जरा पूरी खबर। पूरी मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम है वो इस दौरान जारी रहने वाला है और ये 4 अक्टूबर तक चूंकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा तो तब तक यह रोक रहेगी, क्योंकि यह पहले ही चुनाव आयोग के निर्देश हैं और चुनाव आयोग जिस तरह से पूरा शेड्यूल जारी करता है उसके मुताबिक ये रोक लगाई गई है। तो चुनाव कार्य में जुड़े अधिकारियों में मुख्य तौर पर जो कलेक्टर होते हैं वो सबसे मुख्य होते हैं, SDO होते हैं, इसके साथ ही जो आरओ आदि लगे होते हैं उनके पूरे जो चुनाव कार्य से चूंकि जुड़े हुए रहते हैं तो ये अगर इधर उधर हुए, अगर तबादला हुआ उनका तो सारा जो मतदाता सूची का काम है वो प्रभावित होता है। तो ऐसे में यह रोक लगाना लाजमी है और हर बार ये रोक लगाई जाती है। इसका अर्थ ये भी हुआ कि ये तब इससे पहले स्थिति से पहले तमाम ये जो प्रशासनिक तबादले हैं वो कर देने पड़ेंगे। तो यह एक बहुत बड़ी अहम आदेश जारी हुआ है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने ये जारी किया है सारे कलेक्टरों के, SDO के और तमाम जो जिला निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी हैं, जो चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारी हैं, उनके तमाम तबादले पहले ही सुनिश्चित करने होंगे। डॉक्टर ऋतुराज एक बात और यहाँ पर बताइए कि निर्वाचन कार्य में लगे ऐसे कितने अधिकारी होंगे जिनके तबादलों पर 21 अगस्त से रोक रहेगी? देखिए ये प्रशासनिक पूरे अधिकारी जितने भी हैं, जितने भी RS जैसे SDO हैं वो तमाम इस कार्य से जुड़े हैं। इसी के साथ जो 33 जिलों के जो कलेक्टर हैं वो इस कार्य में सीधे तौर पर जुड़े रहते हैं। तो सैकड़ों की संख्या में ये अधिकारी हैं जिनके तबादलों पर रोक रहेगी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।